यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद क्या अखिलेश यादव परिपक्व होते हुए दिख रहे हैं, या उनके पिता मुलायम सिंह यादव के कहे अनकहे बयानों की तरह बचकानी हरकतें कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई होती तो शायद कई फासले भी भर जाते, लेकिन हार के बाद से अखिलेश फैसले लेने में कभी तो बोल्ड स्टेप उठाते दिखते हैं तो कभी खुद को बचाते। अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से नाराजगी को अखिलेश यादव ने किसी भी मोड़ पर छिपाने की कोशिश नहीं की और न ही उन्हें मनाने की कोशिश की। शिवपाल ने इशारा दिया कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो अखिलेश ने भी खुलकर कहा जाइए। आगरा में शिवपाल पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने साफ कर दिया, जो बीजेपी से मिलेगा वो सपा में नहीं दिखेगा। तो ये साफ है कि शिवपाल के लिए अब सपा में कुछ नहीं बचा। अब कदम शिवपाल सिंह यादव को उठाना है, वो भी सपा की चौखट से बाहर जाकर। दूसरी ओर आजम खान का परिवार भी अखिलेश यादव से नाराज चल रहा है। आजम खान को जेल से निकालने की कोई खास मुहिम अखिलेश ने नहीं चलाई। 2 साल में अखिलेश सिर्फ एक बार उनसे मिलने जेल गए, लेकिन ऐसा लगता है कि आजम की नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जा रहा और अखिलेश उन्हें मनाने की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी भी खुलकर आजम को उनके साथ आने का न्योता दे चुके हैं। आजम के साथ भारी मुस्लिम वोट बैंक है। उनकी नाराजगी के साथ ही सपा से मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की लाइन लग गई। जयंत चौधरी भी लग गए हैं ट्रबल शूटर के काम पर, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि जयंत अपना खुद का वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, जाट, दलित और मुस्लिम वोटर्स का। मुस्लिम नेताओं को मनाने के लिए जयंत आजम के घर गए। जयंत चौधरी भी जाने वाले थे आजम से मिलने जेल, लेकिन उनकी मुलाकात स्थगित हो गई। समाजवादी पार्टी के भीतरी सूत्र ये भी मानते हैं कि अखिलेश से उनकी बढ़ती नजदीकी और उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाएं दोनों इस वक्त उन्हें मौके दे रही हैं। जयंत के कंधे पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी सवार होना चाहते हैं। हालांकि आरएलडी ने यूपी चुनाव में गठबंधन में ही सही अपनी ताकत आजमाने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। वहीं यूपी विधानसभा में 111 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ही अभी रीजनल दलों के बीच हिंदी भाषी नेताओं के लिए बेस्ट ऑप्शन दिखाई देते हैं। बात घूम फिर कर आती है अखिलेश की डिसीजन मेकिंग पावर पर। वो इस बात में तो बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें चाचा शिवपाल नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जाने से कोई नुकसान दिखाई नहीं देता। लेकिन आजम को फिलहाल अखिलेश मनाकर ही रहेंगे, ऐसी इनडायरेक्ट कोशिशें दिखती हैं। ये और बात है कि इसे वो खुलकर स्वीकार करते नहीं दिखते। और जयंत चौधरी इस वक्त रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस एंड बेस्ट गिवन ऑप्शन का मजा ले रहे हैं। इन सबके बीच अखिलेश का दिल्ली की संसद छोड़कर लखनऊ की विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने वाली रणनीति कुछ बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट ला पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।